गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अब आज हम लोग मैथ किट में गतिविधि करेंगे, धारिता का अनुमान लगाना। किस बर्तन में कितना पानी आता है, यही इसकी धारिता कहलाती है। अभी जो तुम्हारे सामने बर्तन रखे हैं छोटे छोटे, इसमें से सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा, ये हमको उठा के दिखाओ। पीछे वाले नैन्सी तुम लोग उठाओ, सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा। कैसे अनुमान तुम लोग ने लगाया कि इसमें तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा पानी आएगा? हाँ, क्योंकि ये तुमको बड़ा लग रहा होगा। ठीक, अब ये जो चम्मच है, इस चम्मच से ये जो ये वाला है घनाब, इसको भरने में कितने चम्मच पानी लगेगा अंदाजा? नौ। और तुम नैन्सी, वो जो वाला है बर्तन उठाओ बड़ा वाला, हाँ, इसको चम्मच से भरने में कितने चम्मच पानी आ जाएगा? 10 चम्मच में भरोगी। अनुमान तुम लोग का देखते हैं क्या कह रहा है। आप चम्मच से भर के देखो, भरा ना ऐसे कितने चम्मच में? 9 चम्मच पानी आ गया। 9 चम्मच आया प्राचीत में? 10। कितने चम्मच आया? 10। और अनुमान कितना लगाया था? 9 का मतलब कि 1 चम्मच पानी ज्यादा आया ना तो पानी। तो अनुमान तुम लोगों ने जो लगाया उससे 1 चम्मच पानी ज्यादा आया। ठीक है, अब ये जो घनाब है बड़ा वाला बर्तन, इससे ये गिलास कितने में भरेगा अंदाजा लगाओ। 13। और तुम नैन्सी, अब दूसरे बर्तन में चम्मच का अनुमान लगाओ। हाँ, ये गोल वाला कितने चम्मच में भर जाएगा? 6 चम्मच में। और तुमने बताया है 13। अब ये गिलास भर के देखो कितने में भर रहा है। 6 कितने में? 6 में भरा। और अनुमान कितने का लगाया था? 6 का। कितने में भरा? 8 में भर गया। अनुमान कितने का लगाया था? 13 का। मतलब कि अनुमान से बहुत कम में ये गिलास तुम्हारा भर गया। अब अच्छा ये बताओ, अब अगर ये जो बर्तन दूसरे रखे हैं, अगर हम बर्तन ये बदलें तो गिलास भरने में उनकी संख्या बढ़ जाएगी गिनती की कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? हाँ, क्योंकि इसकी धारिता ज़्यादा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। छोटा है। वेरी गुड।